सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रट्टा नमार को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धूर्त लोमड़ी और चतुर मोर। एक बार एक लोमड़ी जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। जैसे ही लोमड़ी आगे बढ़ी तभी उसने देखा कि एक पेड़ की ऊंची टहनी पर एक सुंदर सा मोर बैठा है। लोमड़ी ने सोचा कि किस प्रकार इस मोर को अपना आहार मतलब शिकार बनाया जाए। लोमड़ी यह भी जानती थी कि मोर को मारने के लिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती है। तब लोमड़ी ने अपनी चतुराई दिखाते हुए मोर से कहा कि मोर भैया, तुम इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि आज जानवरों की सभा में यह निर्णय हुआ है कि कोई भी जानवर या पक्षी किसी दूसरे को शिकार के लिए नहीं मारेगा? मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अब यह नियम नहीं चलेगा। मोर ने नहले पर दहला मारते हुए जवाब दिया, इसका मतलब तो यह हुआ कि आज से शेर चीते भेड़िए आदि सभी हिंसक जानवर घास फूस खाने लगेंगे। लोमड़ी थोड़ा सकपकाई जरूर, लेकिन वह भी आसानी से मोर का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। लोमड़ी बोली, हाँ इसके बारे में तो हमें चलकर पड़ताल करनी होगी। अभी फिलहाल तुम नीचे उतरो, हम दोनों जंगल के राजा के पास चलकर पूछते हैं। मोर ने जवाब दिया, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे कुछ साथी मुझे इसी ओर आते दिख रहे हैं। लोमड़ी आश्चर्य से बोली, कौन मेरे साथी? मोर ने कहा, कुछ शिकारी कुत्ते मुझे इसी ओर आते दिख रहे हैं। लोमड़ी बोली, अरे बाप रे बाप, शिकारी कुत्ते? मोर बोला, तुम डर क्यों रही हो? अभी तुमने ही तो कहा था कि जंगल के सभी प्राणी आपस में मिलकर रहेंगे, कोई किसी को नहीं मारेगा। लोमड़ी अपनी जेब उतारते हुए बोली, शिकारी कुत्ते शायद उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, उन्हें मालूम नहीं होगा। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चलती बनी और लोमड़ी के जाने के बाद मोर भी वहां से चला गया।